तो हम बात करेंगे यार रिन्यूएबल एनर्जी की, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के अंदर याद रखना यार, रिन्यूएबल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ना, अच्छा खासा एक चंक बनाता है इन्वायरमेंट का। तो आप एक चीज़ को समझना, अगर आपसे कोई एनर्जी वाला सेक्टर पढ़ाना चल जाएगा इन्वायरमेंट में, 2 घंटे में खत्म कर सकता है। बट हाँ, क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसकी गारंटी वो नहीं दे सकता। बिकॉज आप समझना, इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टैटिक पार्ट से ज़्यादा नहीं आते, डायनेमिक पार्ट से आते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे इन्वायरमेंट के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी में हम डायनेमिक पार्ट को भी कवर करेंगे और उसके स्टैटिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है डायनेमिक एस्पेक्ट का स्टैटिक पोर्शन। ओके, तो यहां पे हम 30 क्वेश्चन देखेंगे यार, है ना। 30 क्वेश्चन से हम कोशिश करेंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वो हमारे पास कवर हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंसीडर व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट रिगार्डिंग ल्यूमिनेसेंट सोलर कंसंट्रेटर्स। हमको बात किसकी करनी है, ल्यूमिनेसेंट सोलर कंसंट्रेटर्स की बात करनी है। इट कैन कलेक्ट डायरेक्ट एंड डिफ्यूज सोलर लाइट एंड वर्क इवन ऑन क्लाउडी डेज। ये बिल्कुल सही बात है ना, समझना। जो नॉर्मल सोलर पावर पैनल होते हैं वो क्लाउडी डेज में काम नहीं कर सकते यार, बट जो ल्यूमिनेसेंट सोलर कंसंट्रेटर होते हैं ना, वो क्लाउडी डेज में भी आसानी से सोलर सेल को जनरेट कर सकते हैं, सोलर सेल से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, है ना। डिफ्यूज सोलर लाइट को भी क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं। इसका नाम क्या है, कंसंट्रेटर है। सो दिस इज करेक्ट। इट इज़ मेड यूजिंग पॉलीमर्स एंड कोटेड विथ ऑर्गेनिक डाइज एंड क्वांटम डॉट्स। बिल्कुल सही बात है, जो क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है यार, क्वांटम डॉट्स जो है जैसे कंसंट्रेट करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात। इट इज़ चीपर एंड जनरेट ग्रेटर अमाउंट ऑफ सोलर पावर देन सोलर सेल। सिंपल सी बात है यार, जब ये सपोज करो कि कंसंट्रेटर है, क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल की जा रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप समझ, सस्ता मिलेगा कि महंगा मिलेगा भाई, चीपर नहीं होगा, इट इज़ कॉस्टलियर यार। अच्छा क्या लोगों पर, इट इज़ गलत, इट इज़ चीपर। माना जो ल्यूमिनेसेंट सोलर कंसंट्रेटर होते हैं वो चीपर होते हैं, बट ये पावर भी कम जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर पावर बोल रहा है, गलत बात है, लेस पावर। बिकॉज आप समझना, इसमें क्या होता है, एक ल्यूमिनेसेंट चेम्बर होता है, ल्यूमिनेसेंट कंसंट्रेटर होता है, एक सोलर सेल हो गया। सपोज करो सनलाइट यहाँ पे पड़ा, और सनलाइट जब पड़ता है तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद यहाँ पे पहुँचता है कहाँ पे, सोलर सेल के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे पास थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो जनरेट होता है वो कम हो जाता है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ए 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑनशोर एंड ऑफशोर विंड फार्म्स, ठीक है। हमको बात करनी है विंड फार्म्स की, ठीक है। तो विंड फार्म्स, खेत तो सब देखे होंगे, तो ये खेत किसका है भाई, सोलर पैनल्स का, मतलब सोलर नहीं बोल सकते आप, बोला विंड व्हील्स का खेत है। ऑनशोर एंड ऑफशोर विंड फार्म्स की बात करनी है यार। द ऑनशोर, ऑनशोर मतलब समझना, टूअर्ड द शोर, ऑनशोर मतलब टूअर्ड द शोर, शोर मतलब तट, तट के करीब, तट के करीब, ये सी हो गया, ये लैंड हो गया, तट के करीब है, तट के तरफ है, तो हमने क्या बोला, ऑनशोर विंड फार्म आर मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एज कम्पेयर टू ऑफशोर विंड फार्म। बिल्कुल सही बात है, ऑनशोर विंड फार्म जो होते हैं, विंड्स है ना, जो कि हमारे पास क्या हो रहा है भाई, ऑनशोर विंड फार्म में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं जिसमें वेरी या फिर रिजर्वायर बहुत कम होता है ना, स्टोरेज ऑफ वाटर के लिए, मतलब ठीक है। हैंस द प्रोजेक्ट आर नॉट एज डैमेजिंग फॉर द एनवायरनमेंट एज द लार्ज पावर प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे वाटर की स्टोरेज जरूरत नहीं पड़ती ऑन शोर में, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट यार। ऑफ श्योर, ऑफ श्योर मतलब अवे फ्रॉम द लैंड, ठीक है। इस प्रकार के यहाँ पे हम यहाँ पे रखा गया, ऑन शोर में यहाँ पे रखा गया है, ऑफ श्योर में क्या है, लैंड के ऊपर हमारे पास विंड मिल्स रखे हुए हैं या फिर पानी अंदर। तो ऑफ श्योर विंड फार्म, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑनशोर फार्म इज ईजियर एज कम्पेयर टू ऑफशोर। बिल्कुल सही बात है यार। सो दिस इज करेक्ट, बिकॉज आप समझना, जमीन में है तो पानी का स्टोरेज करना नहीं पड़ता उतना ज़्यादा, है ना, उसके इसीलिए वहाँ पर मेंटेनेंस कम है। ओके, हीट हो रहा है तो पानी से ठंडा भी हो जा रहा है, तो उतना मेंटेनेंस नहीं है यार, बट जो लैंड वाला है वो ज़्यादा हीट हो जाने से उसको मेंटेनेंस देना पड़ता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा सी बोथ 1 एंड 2। कंस्ट्रक्शन ऑफ द विंड फार्म्स ऑन लार्जर वाटर बॉडीज, क्योंकि आप समझ सकते हैं, और बता सकता हूँ कि जो ऑनशोर विंड फार्म्स होते हैं, सो टर्बाइन्स होते हैं ना भाई, वो चीपर होते हैं। ऑल्सो जो कंस्ट्रक्शन है विंड फार्म इन लार्ज बॉडी ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस इज नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट ऑल्सो रिक्वायर्स ग्रेट कॉस्ट फॉर मेंटेनेंस एंड सेटिंग अप। मतलब समझना, जो ऑन शोर होते हैं वो कहाँ पे होंगे भाई, ऑन शोर जो होते हैं वो लैंड के अंदर होते हैं, ठीक है, एंड ऑफ शोर जो होते हैं ना वो कहाँ पे होते हैं, पानी के अंदर।
ऑफशोर जो होते हैं ना वो कहाँ पे होते हैं, पानी के अंदर, ठीक है, और हमारे पास जो ऑनशोर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, लैंड के अंदर। तो आप समझना दो चीज़ को, जो विंड फार्म लैंड के ऊपर है ना, उसको मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा खर्च लगेगा, इट इज़ ऑन शोर एंड दिस इज ऑफ शोर। जो लैंड में है उसको खर्चा लगेगा कि जो पानी में है उसको, जो पानी में है उसको, तो मैंने अच्छा उल्टा बोल दिया, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है यार, कंसिडर दी फॉलोइंग फैक्टर्स रिगार्डिंग विंड पावर। हमको बात किसकी करनी है भाई, विंड पावर की बात करनी है। यूजिंग टर्बाइंस विथ शॉर्टर डायमीटर, अरे हमसे पूछा क्या गया उसको समझ लेते हैं यार। विच ऑफ द फैक्टर अबव आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एनहांसिंग द विंड पावर जनरेटेड, इनमें से कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि जो विंड पावर जनरेट हो रहा है उसको एनहांस कर देंगे। तो टर्बाइंस विथ शॉर्ट डायमीटर, हम छोटे डायमीटर के टर्बाइंस इस्तेमाल करेंगे तो क्या एनर्जी ज़्यादा जनरेट होगा कि कम? कम होगा भाई, सिंपल सी बात है, डायमीटर ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा एनर्जी, सो ये शॉर्टर डायमीटर ज़्यादा प्रोड्यूस कर नहीं पाएगा। इंस्टॉलेशन ऑफ विंड टर्बाइन इन हायर अल्टीट्यूड, बिल्कुल सही बात है, हायर अल्टीट्यूड में ज़्यादा एयर स्पीड होता है, इसीलिए वहाँ पे हायर स्पीड मिलेगा, हायर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, स्ट्रॉगर स्पीड ऑफ एयर, बिल्कुल सही बात है, एंड डेंसर सराउंडिंग एयर, जिससे ज़्यादा पावर मिलेगा या तेजी से घूमेगा ब्लेड। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया इनमें से कौन कौन से फैक्टर जो हैंगे एनहांस करेंगे पावर जनरेटिंग कैपेसिटी को, तो इट इज़ 2, 3 एंड 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 है यार, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एंड बायोमास। हमको बात किसकी करनी है भाई, हमको बात करनी है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एंड की एंड बायोमास की। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एंड बायोमास की बात करनी है अपने को, क्या करना है भाई, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एंड बायोमास की बात करनी है। दी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट इज इफेक्टिव इन डीलिंग विथ रिमोट एनर्जी नीड्स। जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है वो जो दूर दराज के इलाके में हमारे पास एनर्जी जरूरत पड़ती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, बिल्कुल सही बात है, नदी के बहाव से एनर्जी जनरेट कर सकते हो। बायोमास बर्निंग रिलीज द सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज दैट ऑफ द फॉसिल फ्यूल। आप समझना भाई, बायोमास से उतना ही एनर्जी निकलता है जितना फॉसिल फ्यूल के जलने से, बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जगह बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 5 है यार, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनर्जी एनर्जी जनरेशन। ओ हो, एनर्जी जनरेशन की बात करनी है अपने को, ठीक है। सो क्या पूछा गया है भाई, मीथेन रिच बायोगैस इज प्रोड्यूस इन एन एनएरोबिक डाइजेस्टर्स। जो एनएरोबिक डाइजेस्टर्स होते हैं उसमें मीथेन रिच बायोगैस प्रोड्यूस होता है क्या? बिल्कुल, बिकॉज मीथेनोजेनेसिस जो होता है ना वो एनएरोबिक बैक्टीरियाज करते हैं। पार्शियल कम्बशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन लिमिटेड ऑक्सीजन इज रिफर्स टू एज गैसिफिकेशन। बिल्कुल सही बात है यार, पायरोलिसिस या एंड गैसिफिकेशन दो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, जिसमें गैसिफिकेशन में क्या होता है, पार्शियल कम्बशन होता है यार इन द रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और एयर, ठीक है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए गैसिफिकेशन में क्या हो रहा है, इन लिमिटेड ऑक्सीजन बोला या फिर रेस्ट्रिक्टेड ऑक्सीजन, तो ये बिल्कुल सही बात है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्यूल सेल पावर्ड व्हीकल कस पॉल्यूशन विथ हाई एनर्जी कन्वर्सन एफिशिएंसी। यार समझना भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो फ्यूल सेल से पावर सपोज करो तो वो एनर्जी है ना, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के फॉर्म में पॉल्यूशन रिलीज कर रहे हैं यार, तो ऑफिस मतलब पॉल्यूशन तो नहीं बोलेंगे, तो कहाँ से पॉल्यूशन करेंगे वो। सो दिस इज इनकरेक्ट, दे डू नॉट कस पॉल्यूशन यार, करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा A 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखते हैं भाई, विच ऑफ दी फॉलोइंग और विच ऑफ दी प्रोविजन गिवन बिलो फॉर्म दी पार्ट ऑफ दी पीएम कुसुम। हमसे क्या पूछा गया है, पीएम कुसुम के बारे में बात करनी है, ठीक है, पीएम कुसुम के बारे में बात करनी है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान, कुसुम का मतलब यही होता है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, 10 GW ऑफ सोलर और एनी रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट बनाने की बात होती है भाई यहाँ पे कुसुम के अंदर, यस बिल्कुल सही बात है। सोलराइजेशन ऑफ द ग्रिड कनेक्टेड सोलर पंप, जो हमारे पास सोलर पंप से जो पंप सोलर पंप है ना उनको क्या करना है, एक तरह से है ना सोलराइज करना है। सोलर प्रोजेक्ट्स आर लेस देन 500 GW और 500 KW फॉर स्मॉलर फार्मर्स, जो स्मॉल फार्मर्स होंगे उससे 500 KW से कम के हमारे सोलर प्लेट बनाने की बात होती है पीएम कुसुम में। सोलर पावर प्लांट शुड नॉट बी एस्टेब्लाइज ऑन मार्शियन पास्चर लैंड, शुड नॉट बी एस्टेब्लाइज बोल रहे हैं, सोलर पावर प्लांट कैन बी एस्टेब्लाइज इन
पास्टर एंड मार्सी लैंड, वो खराब, वो बिना मतलब के बैरन जमीन है भाई, बिना मतलब इस्तेमाल नहीं रहा, तो उसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बी, 1, 2 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, हमको हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की बात करनी है। ए कॉन्स्टेंट सोर्स फॉर चार्जिंग इज रिक्वायर्ड, क्या हाइड्रोजन फ्यूल सेल में कंटिन्यूस सोर्स ऑफ चार्जिंग की जरूरत पड़ती है भाई? ना भाई ना, है ना, बिकॉज जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तब तक मिलेगा जब तक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। बैटरीज में हमारे पास चार्जिंग जरूरत पड़ती है, बट इसमें चार्जिंग जरूरत नहीं पड़ती। कॉस्ट एफिशिएंट ड्यू टू लो कॉस्ट ऑफ कैटलिस्ट, नो भाई ये हाई कॉस्ट होता है कैटलिस्ट का, इसीलिए बहुत महंगा होता है, बिकॉज इसमें प्लेटिनियम इस्तेमाल होता है एज अ कैटलिस्ट यार, सो इट इज़ कॉस्टलियर, इट इज़ एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ प्लेटिनियम एज कैटलिस्ट। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाई वेज ऑफ केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल में केमिकल रिएक्शन से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में। इनकट हमसे पूछा गया, 1 एंड 2 इज इनकट, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, हमको बात करनी रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया की। सेटिंग अप कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टेटेट, स्टेटेट क्या है भाई हमारे पास, एंड सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन। तो कंप्रेस्ड बायोगैस बनाना ये इसका एक बोल सकते हो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल सही बात है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इसको लॉन्च किया था। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड फोकस्ड ऑन यूरोपियन एंड अमेरिकन स्टेट इन द फर्स्ट फेज, नो फर्स्ट फेज में हमारे पास ये जो है इसको हमारे पास लॉन्च किसने किया था भाई, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने मिल के लॉन्च किया था। और जो फर्स्ट फेज में है ना, वो फर्स्ट फेज में ये किसके बारे में किसको कवर करने की बात करता है, जो साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उसको कवर करने की बात करता है। सो दिस इज इनकरेक्ट यार, हमसे पूछा गया, कट जाएगा ए, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हमको बात किसी करनी है, ईवीज की बात करनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करनी है। लॉन्गर चार्जिंग टाइम, हमसे क्या पूछा गया, विच ऑफ द अबव आर हिंड्रेंस इन द अडॉप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, हिंड्रेंस क्या है भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल में। सही बात है, चार्ज करने में बहुत समय लगेगा, आदमी रुकेगा कितना टाइम तक भाई चार्जिंग करने के लिए, कहीं पर चार्जिंग खत्म हो गया तो। एंड रिड्यूस नॉइज एंड चीपर मेंटेनेंस, ये हिंड्रेंस नहीं है, अच्छी चीज़ है ये तो। हायर कॉस्ट टू द व्हीकल, बिल्कुल सही बात है। एंड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से दूर तक नहीं जा सकते, दिस आर हिंड्रेंस टू दी अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी, हमको बात किसी करनी है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करनी है। द कन्वेंशनल रिसोर्स आर रिन्यूएबल एंड ऑलमोस्ट इनएग्जॉस्टेबल, जो कन्वेंशनल रिसोर्स जो हमें बहुत समय से इस्तेमाल कर रहे हैं वो रिन्यूएबल है क्या? नो भाई, दिस आर पेरिशेबल, दिस आर एग्जॉस्टेबल, है ना, इनएग्जॉस्टेबल बोल रहा है, गलत बात है। जैसे कि हमारे पास विंड है ना, हमारे पास सोलर बायोमास होता है, दिस आर नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। हमारे पास जो कन्वेंशनल है जिसमें हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स आते हैं वो खत्म हो सकते हैं यार, सो दिस इज इनकरेक्ट। बायोमास कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इंटू लिक्विड फ्यूल कॉल बायोफ्यूल्स टू हेल्प मी ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल नीड्स, बिल्कुल सही बात है, बायोमास को डायरेक्टली हम लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं यार, वुड को या फिर एग्रीकल्चर वेस्ट को। क्वेश्चन नंबर 3 है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी स्टेटमेंट नंबर 3, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ टारगेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 175 गीगावाट बाई ईयर 2030, विच इंक्लूड 100 गीगावाट फ्रॉम सोलर एनर्जी। देखो भाई यहाँ पे ना 2022 तक हमारे पास 175 गीगावाट तक एनर्जी की बात की है, दो हजार तीस तक नहीं, 2030 तक पहले था उसको, 2022 तक ही अचीव कर लेने की बात की थी ग्लासगो के अंदर। इनकट हमसे पूछा गया, इनकट जाएगा 1 एंड 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। मैच दी फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड रिवर्स, हम क्या करना है भाई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एंड रिवर्स को मैच करना है। तो लुहरी जो रिवर है, जो लुहरी प्रोजेक्ट है वो हमारे पास झेलम के अंदर बना गया है क्या, जो
हाँ बिल्कुल सही बात है कि गलत है ये। देखो भाई, जो लूरी हाइड्रेटिक प्रोजेक्ट है ना, वो सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है ना, जो कि हम आप समझ सकते हो सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। हमसे क्या करना है भाई, मैच करना है ना प्रोजेक्ट्स को रिवर के साथ, ठीक है। तो वन इज मैच विद डी, एंड हमारे पास सवराकुडु, सवराकुडु जो है वो हमारे पास ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना में बनाया गया है, ठीक है, जो कि पबर पबर जो कि ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना है, उस पे ये हमारे पास सर्वाकुडु प्रोजेक्ट है। सो टू का क्या हो जाएगा, सी। टू का क्या हो जाएगा, सी। आंसर हो जाएगा ए। एंड राटले जो हाइड्रोस्टेटिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वो हमारे पास किस पे बनाया गया है, चेनाब पे। एंड किशन गंगा जो प्रोजेक्ट है, वो हमारे पास ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम मतलब यहाँ पे कौन सी की बात हो रही है ना, एक कृष्णा गंगा नदी है वो, जो कि झेलम की ट्रिब्यूटरी, उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ सोलर एनर्जी। हमको बात किसी करनी है, प्रमोशन ऑफ सोलर एनर्जी की बात करनी है। प्रमोशन ऑफ सोलर एनर्जी की बात करनी है। द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैव इनिशिएटेड स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स लाइक सब्सिडी, इजी लोन, कंसेशनल ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल इम्पोर्ट्स टू एनकरेज एंड यूज ऑफ सोलर एनर्जी सिस्टम। के जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने सब चीज़ किया है भाई, प्रमोशन ऑफ सोलर एनर्जी के लिए बिल्कुल किया है यार। सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन दी वर्ल्ड विच हैव अ सोल फोकस ऑन सोलर एनर्जी एंड इट्स सेक्रेटरीट इज इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, उसको सेक्रेटरीट इंडिया में अंदर है, गुड़गांव के अंदर। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड प्लान एंड रिलीज इज ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट। बिल्कुल गलत बात है भाई, ये तो सही है कि हमारे पास जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी रिलीज करता है, बोल रहा गलत बात है यार, बिकॉज इट इज़ बाय द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ओके, ISA जो है वो हमारे पास रिलीज करता है वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड रिपोर्ट, और उसके साथ साथ इज ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट भी इंटरनेशनल सोलर सॉरी इंटरनेशनल सोलर अलायंस रिलीज करता है, नॉट इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। हमसे कैट पूछा गया, कट जाएगा ए, वन एंड टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया। हमको बात किसी करनी है, विंड एनर्जी की बात करनी है। द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ बीन ऑथराइज्ड एज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर यूज ऑफ ऑफशोर एरियाज विद इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स ऑफ द कंट्री अंडर नेशनल ऑफशोर विंड पॉलिसी। तो नेशनल ऑफशोर विंड पॉलिसी के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उसने ऑथराइज किया है भाई, उसको ऑथराइज किया गया टू यूज ऑफ द सोलर ऑफशोर एरियाज विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। तो ये स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही बात है, आप समझना। ऑफशोर एरियाज मैंने बताया था, ऑनशोर एंड ऑन ऑफशोर वाला लैंड हो गया, ये सी हो गया। ऑनशोर मतलब टुवर्ड दी लैंड, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो विंड फार्म्स कंस्ट्रक्ट करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, लैंड के अंदर। एंड ऑफशोर वाले में हमारे पास जो विंड फार्म्स बनाएंगे वो कहाँ पे बनाएंगे यार, सी के अंदर। तो ये बिल्कुल सही बात है। सेकेंड है, ऑनशोर विंड फार्म ऑपरेट ऑन लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर एंड आर मोर एक्सपेंसिव देन ऑफशोर विंड फार्म। हमने देखा है यार, जो ऑनशोर होते हैं वो कहाँ पे बनाए जाते हैं, इट इज़ फॉर्म ऑन नॉट ऑन लार्ज वाटर बॉडीज बट ऑन लैंड एंड दिस आर चीपर एज कम्पेयर टू दी ऑफशोर विंड फार्म्स। इंडिया करंटली हैज़ फोर्थ हाईएस्ट विंड इंस्टॉल कैपेसिटी इन द वर्ल्ड एंड गुजरात हैज़ दी हाईएस्ट विंड एनर्जी कैपेसिटी और पोटेंशियल करंटली इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, गुजरात सबसे पोटेंशियल है और इंडिया है फोर्थ लार्जेस्ट, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा गया यार, करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा वन एंड थ्री, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्यूल सेल्स। हमको बात किसकी करनी है, फ्यूल सेल्स की बात करनी है। फ्यूल सेल्स आर इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस दैट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड हाइड्रोजन इज मोस्ट सुटेबल फ्यूल फॉर सच सेल। क्या ये इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक केमिकल इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, फ्यूल सेल भाई। बिल्कुल गलत बात है, बिकॉज केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, नॉट इलेक्ट्रोकेमिकल।
ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू कट डाउन कार्बन एमिशन एंड स्केल अप ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो किसने लॉन्च किया है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। दे कैन बी वाइडली यूज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्यू टू हाई एनर्जी कन्वर्सन एफिशिएंसी एंड नियर जीरो पॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, जो फ्यूल सेल है उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज इनमें हाई एनर्जी कन्वर्सन एफिशिएंसी है एंड बहुत कम पॉल्यूशन ये करते हैं। बिल्कुल सही बात है, इनकट हमसे पूछा गया है, इनकट जगह वन एंड टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 15 है, इट इज़ अ डिवाइस दैट यूज अ थिन शीट ऑफ मटेरियल टू ट्रैप सोलर रेडिएशन ओवर अ लार्ज एरिया बिफोर डायरेक्टिंग द एनर्जी टू सेल माउंट ऑन द थिन एज ऑफ मटेरियल लेयर। इट कैन कलेक्ट बोथ डायरेक्ट एंड डिफ्यूज सोलर रेडिएशन, देयरफॉर ट्रैकिंग ऑफ सन इज नॉट रिक्वायर्ड। दे आर एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक एंड फॉर द क्लाउडियन नॉर्दर्न क्लाइमेट्स। तो यहाँ पे कौन सी डिवाइस की बात की जा रही है, तो हमने क्वेश्चन में देखा था कि जो हमारे पास ल्यूमिनेसेंट सोलर कंसंट्रेट होते हैं जिसमें क्वांटम डॉट का इस्तेमाल होता है क्लाउडियर नाइट्स में, क्लाउडियर डेज में, जहाँ पे उतना है ना, क्योंकि कंसंट्रेट करते हैं है ना डिफ्यूज़ को एंड इस तरह से एनर्जी कम जनरेट करते हैं, ठीक है, बट आप क्लाउडियर नाइट्स में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोटेंशियल साइट फॉर जनरेशन ऑफ जियो थर्मल एनर्जी। हमसे पूछा गया कि जो जियो थर्मल एनर्जी जमीन से जो एनर्जी निकालते हैं उसके पोटेंशियल साइट्स कौन कौन से हैं। तो जलगांव हमारे पास एक पोटेंशियल साइट है क्या जहाँ से हम जियो थर्मल एनर्जी निकाल सकते हैं भाई, बिल्कुल। जलगांव जो है वो कहाँ पे है यार, ये महाराष्ट्र के अंदर में है। कश्मीर वैली से निकाल सकते हैं क्या भाई, नो, कश्मीर वैली में कहीं भी हमारे पास ऐसा जियो थर्मल सोर्स देखने को नहीं मिलता जहाँ से जियो थर्मल एनर्जी निकाल सकें, है ना। पुगा वैली, बिल्कुल सही बात है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है ये, एंड टाटा पानी जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है यार, वहाँ से जियो थर्मल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा बी, 1, 3 एंड 4। और भी बहुत सारे साइट्स हैं लाइक दी बरकेश्वर जो कि वेस्ट बंगाल में है, गोदावरी बेसिन जहाँ पे मणिकरण है वहाँ पे, है ना, तवा जो तवा है, तवा बोल सकते हैं एक तरह से गुजरात में है वो, पुणे जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये साइट्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है, विथ रेफरेंस टू सोलर एनर्जी कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। सोलर एनर्जी की बात करनी है, सोलर एनर्जी बारे में हमसे करेक्ट पूछा गया है। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज लॉन्च एट द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस। क्या आईएसए जो है कोप नंबर कॉन्फ्रेंस इन पेरिस कोप 21 है कि 22 है भाई, इट इज़ नॉट कोप 22। पहली बात है जी, कोप 21 पेरिस वाला तो बच्चे बच्चे को पता है, ये 21 नंबर का कोप है यार, है ना, एज ए स्पेशल प्लेटफॉर्म टू एड्रेस द स्पेशल एनर्जी नीड्स ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज। गलत हो गया, बिकॉज कोप 22 नहीं है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, इट इज़ कॉन्फ्रेंस इन पेरिस जो है इट इज़ 21। द प्रपोज सोलर बायोमास हाइब्रिड सिस्टम इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी जनरेशन टेक्नोलॉजी दैट इंटीग्रेट्स फोटोवोल्टिक थर्मल एंड बायोमास पावर सोर्स। बिल्कुल सही बात है यार, है ना, ये एसी बेस्ड है जो हमारे पास जो हाइब्रिड सिस्टम बनाने की बात की है इसके अंदर, है ना, वो बायोमास से भी जनरेट करेगा और बायोमास से ही फोटोवोल्टिक थर्मल जनरेशन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है यार, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान। पीएम कुसुम की बात करनी है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान की बात करनी है, पीएम कुसुम स्कीम की, ठीक है। प्रधानमंत्री किसी किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान पीएम कुसुम स्कीम विच एम एट फंक्शनिंग द प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर इन इंडिया एंड गिविंग बेनिफिट्स ऑफ सोलर फार्मिंग टू फार्मर्स विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये जो पीएम कुसुम है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इम्प्लीमेंट करेगा, नो, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ 60% सब्सिडी टू फार्मर फॉर सेटिंग अप पंप सेट्स एंड ट्यूबवेल्स ऑन देयर लैंड। पीएम किसी के अंदर 60% सब्सिडी मिलेगा क्या, अगर लैंड में पंप बनाते हैं
है ना, पंप लगाते हैं या फिर है ना ट्यूबवेल लगाते हैं। तो द स्कीम एम्ड एट अचीविंग 100 GW ऑफ सोलर पावर जनरेशन बाई 2022। बिल्कुल गलत बात है यार, यहाँ पे नॉट 1000 वॉट, इट इज़ 100 वॉट, में गलत बोल दिया। तो इट इज़ नॉट 1000 वॉट, 100 है ना, ये 100 हमारे पास गीगा वॉट की एनर्जी पाना चाहते हैं 2022 तक, लेकिन ये सही हो गया भाई, भूल फिल हो गया, करेक्ट हमसे पूछा गया तो इनकरेक्ट है, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया, सॉरी इनकरेक्ट हो जाएगा, 1 एंड 3 इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 है यार, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी ऑनशोर एंड ऑफशोर विंड एनर्जी। मैंने बहुत बार बात की, फिर से बात करता हूँ बिकॉज इंपॉर्टेंट है ये। सपोज करो ये हमारे पास है ना, ये हमारे पास लैंड है, ये सी है। अगर आपने इस तरह जो लैंड की तरफ विंड्स आ रहे हैं उसके ऊपर हमने विंड मिल लगाया, इसके ऊपर हमने विंड मिल लगाया, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑन शोर, बिकॉज टूवर्ड द शोर। एंड यहाँ पे हमने पानी के अंदर, ये पानी है ना, ये पानी है पूरा, ये पानी के अंदर हमने क्या लगाया, विंड मिल लगाया, इस तरह से जो विंड्स आ रहे हैं उसके ऊपर से बोलेंगे ऑफ शोर, अवे फ्रॉम द शोर। तो ऑफ शोर में ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है, ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास है ना पानी स्टोरेज करना पड़ता है, इसीलिए वो एक्सपेंसिव होता है, ऑफ शोर विंड फार्म्स, नॉट ऑन शोर। ठीक है, अब इसके बारे में बात करनी है। ऑन शोर विंड्स एनर्जी इज द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द फार्म दैट आर लोकेटेड ओवर शैलो ओपन वाटर। क्या ये ओपन वाटर में पाए जाते हैं, ओपन ऑन शोर भाई? हाँ, क्या ये स्टेटमेंट सही है बे? भाई आप समझना, ऑन शोर जो है वो हमारे पास लैंड के ऊपर है, ऑफ शोर जो है वो हमारे पास शेलो वाटर्स के अंदर है, सो इट इज़ इनकरेक्ट। है ना, तो अब जब ऑफशोर महंगा है तो ऑफशोर क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि ऑफशोर में रखना स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑन शोर। द ऑफशोर विंड एनर्जी इज़ द पावर दैट जनरेटेड बाई विंड टर्बाइंस लोकेटेड ऑन द लैंड। नो, लैंड वाला जो है वो क्या है, ये ऊपर वाला जो है शेलो वाटर में ऑफ शोर है, और लैंड में है जो है वो ऑन शोर है, टूवर्ड दी लैंड। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया भाई, है ना। बिजनेस एंगेज इन दी प्रोक्यूरमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी गुड्स एंड सर्विसेज शैल बी एलिजिबल फॉर क्लेम्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो बिजनेसेस इंस्टॉलेशन की बात करते हैं, उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट से हमारे पास एक तरह से एलिजिबल होंगे क्या इसके अंदर? बिल्कुल सही बात है यार, है ना, ये बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा C3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। हमको बात करनी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट की। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट इज अ मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट वेयर दी ओनर ऑफ दी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट कैन लीगली केम टू हैव परचेज रिन्यूएबल एनर्जी। क्या रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट में वो क्लेम कर सकता है कि हमने पास एनर्जी है? बिल्कुल क्लेम कर सकता है। वन रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट इज ट्रीटेड एज इक्वलेंट ऑफ 1000 और सॉरी 100 MW। नो, वन एनर्जी सर्टिफिकेट जो है वो इज इक्वल टू 1 MW एंड नॉट 1000, दिस इज इनकरेक्ट। द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज दैट इज डिस्कॉम ओपन एक्सेस कंज्यूमर कैप्टिव पावर प्लांट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर परचेसिंग दी एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी। गलत बात है यार, जो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट है वो भी परचेस कर सकते हैं हमारे पास, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स हैं, फिर कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, वो भी। सो दिस इज करेक्ट, नॉट बोला तो इनकरेक्ट, सॉरी, करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ए वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोलर एनर्जी। हमको बात किसकी करनी है, सोलर एनर्जी की बात करनी है। सोलर फोटोवोल्टिक यूजेस सनलाइट इन, ओके, सोलर फोटोवोल्टिक यूज सनलाइट टू हीट अ फ्लूइड दैट कैन बी यूज टू स्पिन अ टर्बाइन और पावर एंड इंजन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। क्या सोलर फोटोवोल्टिक कैसे काम करते हैं भाई? क्या यहाँ पे ये ऐसे होते हैं जो कि हीट जो होता है ना उससे फ्लूइड को गैस में कन्वर्ट करते हैं जिससे वो टर्बाइन घुमाता है? ना भाई ना, सोलर फोटोवोल्टिक जो होते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमी कंडक्टर्स। जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं ना, फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे काम करता है ये, जिसमें हमारे पास जब लाइट का इम्पैक्ट पड़ता है ना, लाइट का जब इम्पैक्ट पड़ता है ना, लाइट का इम्पैक्ट पड़ता है, यहाँ से फोटॉन्स निकलते हैं, एंड इन फोटॉन्स के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, फोटॉन्स से मूवमेंट्स मैंने फोटॉन्स जब पड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है यार, एंड इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो इट इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्पिनिंग ऑफ टर्बाइंस यार, इट इज़ बेस्ड ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो वोल्टिक इफेक्ट।
कंसंट्रेटिंग सोलर पावर इन विच अ फोटोन इम्पैक्टिंग अ सरफेस मेड ऑफ स्पेशल मटेरियल जनरेट द रिलीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है, बट सर ये लेकिन कंसंट्रेटिंग पूछा गया। जो सोलर फोटोवोल्टिक्स है वो इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जो कंसंट्रेटिंग सोलर पावर है ना, ये किसी बात करता है, ये कंसंट्रेटिंग सोलर पावर जो है वो बात करता है कि हमारे पास ये ऐसे हीट पड़ेगा ना, तो जो फ्लूइड होगा वो हीटअप होगा, जिससे एक वेपर बनेगा, एंड वेपर से क्या होगा है ना, ये जो हमारे पास स्पिन करेगा टरबाइन को, ये हमारे पास क्या है, कंसंट्रेटेड सनलाइट सोलर, कंसंट्रेटेड सोलर प्लांट ऐसे काम करते हैं। दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया है अपने आपस में। सोलर रिस्क मिटिगेशन इनिशिएटिव इज डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एनर्जी सेक्टर मैनेजमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम। बिल्कुल सही बात है, जो सोलर रिस्क मैनेजमेंट इनिशिएटिव है, सॉरी, जो सोलर रिस्क मिटिगेशन इनिशिएटिव है, वो किसने लॉन्च किया भाई, वर्ल्ड बैंक एनर्जी सेक्टर मैनेजमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर लॉन्च किया गया है, मतलब इसके अंदर लॉन्च किया गया है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा C3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 22 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी। हमको रिन्यूएबल एनर्जी की बात करनी है। एज पर अपडेट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो NDCs जो है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हैं जो अपडेट किए गए हैं, इंडिया हैड कमिटेड टू अचीव 60% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी बाई 2030। तो ये जो स्टेटमेंट है भाई, ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज हमने देखा कि हमारे पास 50% नॉट 60%, हमारे पास 2030 तक हमने जो है ना टारगेट बनाया है पंचामृत के अंदर है ना, कि हमारे पास 50% जो क्यूमुलेटिव एनर्जी होगा वो हम कहाँ से लाएंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से लाएंगे। ऐसा नहीं बोला कि 50% नॉन रिन्यूएबल सोलर पावर से लाएंगे, 50% नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स, इट कैन बी विंड एनर्जी, इट कैन बी सोलर एनर्जी, इट कैन बी जियोथर्मल एनर्जी। सो दिस इज इनकरेक्ट। सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द ग्लोबल एनर्जी मिक्स इज अ टारगेट सेट अंडर SDG 5। क्या जो SDG 5 है, SDG का जो नंबर 5 है वो क्या है भाई, SDG का जो नंबर 5 है वो क्या है, SDG का नंबर 5 कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर 7 जो है वो बात करता है अबाउट अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल की, एंड नॉट, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की बात जो है वो SDG 5 नहीं करता, SDG 7 बात करता है अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी। बच्चे बच्चे को बताना चाहिए SDG 5 टॉक्स अबाउट व्हाट, SDG 5 टॉक्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। जो रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट रिपोर्ट है, वो कौन पब्लिश करता है भाई, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी पब्लिश करता है क्या ना, इसको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पब्लिश करता है, नॉट रिन्यूएबल। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट यार, हमसे इनकरेक्ट तो पूछा गया, इनकरेक्ट तीनों तीनों है, आंसर हो जाएगा 22 का डी। 23 है, विथ रेफरेंस टू ओशन थर्मल एनर्जी, हमसे क्या पूछा गया है, ओशन थर्मल एनर्जी के बारे में पूछा गया है, ओशन थर्मल एनर्जी के बारे में हमसे करेक्ट पूछा गया है, ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन और सॉरी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, हमको बात करनी है OTEC की, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम की, यूज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द ओशन एंड द डेप्थ ऑफ अबाउट 1000 मीटर टू ऑपरेट अ हीट इंजन विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर। जो ओशन थर्मल कन्वर्जन एनर्जी है क्या, वो डिफरेंस को देखता है सरफेस और जो 1000 मीटर डेप्थ में जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, उसके में उसको उसमें इसके हिसाब से और उसकी मदद से ये टेम्परेचर एनर्जी जनरेट करता है क्या। बिल्कुल सही बात है, ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस द ग्रेटर द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल सही बात है यार, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, एट द इक्वेटर द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज हाईएस्ट। क्या इक्वेटर में हाईएस्ट होता है, नो, इट इज नॉट एट द इक्वेटर बट द ट्रॉपिक्स है ना, ट्रॉपिक्स में ज़्यादा सनलाइट है, तो आप समझें जो मिड लैटिट्यूड्स है ना उनमें हमारे पास ज्यादा देखने को मिलेगा ओशन टेम्परेचर, बिकॉज हमारे पास कंडेंसेशन भी तो हो जा रहा है यार ट्रॉपिक्स में। ओके, सो इट इज नॉट द इक्वेटर, इट इज ट्रॉपिक्स। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 एंड 2। क्वेश्चन 24 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हाइड्रो पावर। हमको बात किसकी करनी है, हाइड्रो पावर की बात करनी है।
द टर्बाइंस कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जो वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करेगा, ये टर्बाइंस हैं, टू ड्राइव एनर्जी जनरेटर, टू ड्राइव जनरेटर। बिल्कुल सही बात है यार, ऐसा लगेगा बट इट इज इन करेक्ट, बिकॉज वो क्या करता है, जो टर्बाइंस होते हैं ना वो वाटर का जो काइनेटिक एनर्जी है, नॉट पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज पानी जो है मूव कर रहा है ना यार, वाटर इज मूविंग, एंड वाटर इज मूविंग मीन्स इट इज इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी नॉट पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में, सो दिस इज इनकरेक्ट, एंड देन मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट कर देता है, पानी से टर्बाइन घूमेगा एंड टर्बाइन से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी एंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर टू है, जनरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हाइड्रो पावर फैसिलिटीज, नेमली इम्पाउंडमेंट, डाइवर्जन, पम्प्ड स्टोरेज, के ये तीन प्रकार के हमारे पास हाइड्रो पावर फैसिलिटीज होती हैं। बिल्कुल सही बात है, इम्पाउंडमेंट, डाइवर्जन एंड पम्प स्टोरेज, करेक्ट, हमसे पूछा गया, कट जाएगा बोथ वन एंड टू। क्वेश्चन नंबर 25 है यार, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, हमको बात किसकी करनी है, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान की बात करनी है, हमसे करेक्ट पूछा गया है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के बारे में, जो कि 2020 में आया था, आउटडेटेड स्कीम से मानता हूँ, बट हमको कॉन्सेप्ट सीखने हैं यार, है ना, तरीका कैसे क्वेश्चन आता है सीखना, कभी भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इन्फॉर्मेट नहीं उतरे, एक साल में चीज़ें नहीं होती, लेकिन क्वेश्चन तो 20 के आसपास आएंगे, तो वो क्या करेंगे, जो एग्जामिनर होगा थोड़ा सा पीछे जाएगा एग्जाम में। तो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 की बात करनी है, इट एम्स टू अचीव नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन कंट्री। बिल्कुल सही बात है यार, जो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन है, नाम से सुना, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मीन समथिंग, गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करेगा, उससे हमारे पास जो फुल सिक्योरिटी है हमारे पास, उसको बचाने की, उसको अचीव करने की बात करता है। दिस मिशन इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, लोग गलत करेंगे, उसी यहाँ पैसे दिया हुआ है, नो भाई, इसको कौन इंप्लीमेंट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज। तो ये सब आप पढ़े होगे ना फ्लाइट से, तो कभी याद नहीं रहेगा, क्वेश्चन बना के याद रहता है। ठीक है, ये हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज इंप्लीमेंट करता है। अंडर द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द फेम इंडिया स्कीम। क्या फेम इंडिया स्कीम जो है, फेम मतलब फास्टर एडेप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो स्कीम है टू मिटिगेट द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ व्हीकल ऑन एनवायरमेंट एंड ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। बिल्कुल सही बात है, ये नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के अंदर ही तो फेम स्कीम लॉन्च किया गया है, एंड फेम इज वॉट, फास्टर एडेप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तरीके से क्या बोलते हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, कन्फ्यूज मत होना दोनों में। करेक्ट हमसे पूछा गया यार, करेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, वन एंड थ्री इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 26 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोलर पावर, हमको सोलर पावर की बात करनी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, राजस्थान हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड, ये राजस्थान के अंदर लार्जेस्ट सोलर पार्क है। बिल्कुल सही बात है, जो बांडला सोलर पार्क है ना भाई, राजस्थान के अंदर वो सबसे बड़ा है, अराउंड 14,000 किलोमीटर्स में ये फैला हुआ है। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है, सो दिस इज करेक्ट। असम हैज इंडिया फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड रेलवे स्टेशन, क्या फुल्ली जो गुवाहाटी जो है ना, गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन, वो हमारे पास फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड रेलवे स्टेशन है भाई, सो दिस इज करेक्ट। गोवा हैज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन इंडिया, देखो भाई ये हमने देखा था, जो रामागुंडम है तेलंगाना के अंदर, वो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट है, ये तो दिमाग में रहना ही चाहिए, रामागुंडम प्रोजेक्ट जो कि तेलंगाना के अंदर में है। ठीक है, ये असम के अंदर ये जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन विच बिकम दी 100% फुल्ली सोलर पावर रेलवे स्टेशन, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा वन एंड टू ओनली, आंसर हो जाएगा ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू नेशनल सोलर मिशन, हमको बात किसकी करनी है, नेशनल सोलर मिशन की बात करनी है, हमसे करेक्ट पूछा गया है, इट हैड सेट अ टारगेट ऑफ 100 GW ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर बाय 2030। जो नेशनल सोलर मिशन है वहाँ पे हमारे पास 100 GW की ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर बनाने की बात करते हैं क्या 2030 तक। देखो भाई, 2015 में हमने ये टारगेट बनाया था कि 2022 तक हम 100 GW तक करेंगे, बट 2021 में हमारे पास क्या देखने को मिला है ना, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, 2030 में हमको क्या चाहिए, 300 GW।
अंडर रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज टू 40,000 मेगावाट रूफटॉप सोलर कैपेसिटी एडिशन इज टारगेटेड इन द रेजिडेंशियल सेक्टर थ्रू सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है यार, सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम जो है उसमें 4,000 मेगावाट ऑफ रूफटॉप सोलर कैपेसिटी बनाने की बात कर रहे हैं। करेक्ट, हमारे पास हो जाएगा बी टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 28 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव। हमको बात किसी करनी है ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव की, जो कि किसमें लॉन्च किया गया, ग्लासगो के अंदर COP26 में लॉन्च किया गया ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव। दी आइडिया ऑफ द ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव वॉज फर्स्ट टाइम पिच बाई इंडिया एंड फ्रांस ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च कर रहे थे तो वहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव है उसको हमने एक तरह से बढ़ावा दिया गया भाई। नो है ना, हमारे पास ये तो तब हुआ जब हमारे पास जो वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था ना, उसके साथ साथ जो कि COP26 में ग्लासगो ने के साथ मिलकर लॉन्च हुआ था। ठीक है, नॉट इन दी जनरल असेंबली ऑफ सोलर नेशनल इंटरनेशनल सोलर अलायंस। मतलब पहली बार हमसे पूछा गया ना, फर्स्ट टाइम यहाँ पे पीस्ड आउट इन जनरल असेंबली, यार जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हुआ था उसके अंदर पहली बार पीस्ड किया गया था, एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार इसके बारे में बोला था। ठीक है, द ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव हैज टारगेट टू क्रिएट एन इंटर कनेक्टेड पावर ग्रिड विद ऑल नेबरिंग कंट्रीज इन इंडिया। के सारे सारे नेबरिंग कंट्रीज की बात करता है यार, ये जो ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव है यार वो हमारे पास ग्लोबल पावर ग्रिड को कनेक्ट करने की बात करता है, नॉट ओनली नेबरिंग कंट्रीज, बिकॉज इसमें हमारे पास वन वर्ल्ड ऐसा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट जगह बोथ वन एंड टू इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन 29 है, विथ रेफरेंस टू रिन्यूएबल एनर्जी, हमको रिन्यूएबल एनर्जी की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया इज करंटली 1000 गीगावाट। अभी हमारे पास जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 1000 गीगावाट है यार। देखो, हमने अभी तक 1000 गीगावाट की एनर्जी रीच नहीं की है, हमने टारगेट रखा है कि हाँ 2030 तक 1000 गीगावाट अचीव कर लेंगे, बट अभी हमारे पास 170 गीगावाट ऑफ एनर्जी हमारे पास जो टारगेट हमने किया था है ना, वो हमने अचीव किया 2022 तक है ना, तो अभी हमने अचीव किया है। दिस इज इनकरेक्ट, दी उज्ज्वला नहीं, उज्ज्वला नहीं, उजाला स्कीम एम टू प्रमोट सोलर पावर इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। उजाला याद रखना, उजाला इज समथिंग उन्नति ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs, तो यहाँ पे इट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू LEDs। तो ये किसके बारे में बात करता है यार, सोलर पावर को प्रमोट करने की बात करता है। नो, इट टॉक्स अबाउट प्रमोटिंग एफिशिएंट लाइटनिंग, एनहांस अवेयरनेस यूजिंग एफिशिएंट इक्विपमेंट, जो कि हमारे पास एक तरह से इन्वायरमेंट को आसानी से कम करेंगे है ना। उजाला LEDs की बात करता है, नॉट सोलर पावर प्रमोशन। ठीक है, उज्ज्वला जो है वो सिलेंडर्स की बात करता है, गैस सिलेंडर्स की। स्मार्ट ग्रिड हैव सेल्फ फीलिंग कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज एनेबल इलेक्ट्रिसिटी कस्टमर्स टू बिकेम एक्टिव पार्टिसिपेंट। बिल्कुल सही बात है, अपने आप से वो थोड़े से ठीक करने की ताकत रखते हैं स्मार्ट ग्रिड जो होते हैं वो। ठीक है, तो करेक्ट हमसे नहीं, इनकट हमसे पूछा गया, इनकट जगह वन एंड टू, आंसर जाएगा ए। तो हमने 29 क्वेश्चन देखे भाई, रिन्यूएबल एनर्जी से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, क्वेश्चन हमेशा आते हैं, एक से दो क्वेश्चन तो हमेशा देखने को मिल ही सकते हैं।